वेलकम बैक स्टूडेंट्स. सो आई रवीना वेलकम टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. यू नो वेरी वेल अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये यहाँ पे कौन से फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर. आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, मीन्स दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं कर सकते. सो मिक्स फ्रैक्शन है कैसे बनाते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में कि जो होल क्वांटिटी है उसको तो आप अलग निकाल लीजिए और जो प्रॉपर फ्रैक्शन बचता है उसको अलग. उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं. आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो डोंट वरी, आज हम सीख लेते हैं कैसे करना है. देखो 20/3 मीन्स आप 20 को 3 से डिवाइड कीजिए. बहुत इजीएस्ट वे में बता रही हूँ मैं. इसको डिवाइड कीजिए आप और ये देखिए अब रिमाइंडर और इस क्वेश्चन को देखिए आप. यहाँ आपका जो होल क्वांटिटी है वो कितनी आई है, ये 6. ये 6 तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया. इस 6 को हमें नहीं करना. अब हमें किस, ये 6 तो आपका आंसर आया तो आंसर तो कैसे आएगा 6 ऐसे. अब ये 2 है, इस 2 को तो अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है ना. हम डेसिमल तो लगा नहीं रहे हैं लेकिन ये 2 को तो 3 से डिवाइड करना है अभी, वो अलग बात है. नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो हम एज इट इज छोड़ देंगे. लेकिन हमें तो इस 2 को 3 से डिवाइड करना है, मीन्स 6 होल. 6 तो आपका कंप्लीट आंसर आया एंड 2/3. ये 6 तो आपका होल क्वांटिटी है और ये 2/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, जिसमें एक होल क्वांटिटी होती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका. ओके स्टूडेंट्स, ये जो बचता है ये वाला हमेशा प्रॉपर ही होगा और ये क्वांटिटी ये आपकी होल है, कंप्लीट है. ये 6 तो कंप्लीट हो गया लेकिन ये 2 को 3 से डिवाइड करना अभी बाकी है, वो हम एज इट इज लिख देंगे. सो आंसर इसका कितना आया, 6 होल 2/3 किसका, 20/3 का. ओके सेम आप नेक्स्ट वाला कर सकते हैं. 11 को 5 से डिवाइड कीजिए. 5 2 10 1 मीन्स 2 होल क्वांटिटी और 1 को अभी 5 से डिवाइड करना बाकी है. तो 2 होल 1/5 जो रिमाइंडर बचता है उसको आप ऊपर लिखिए और उसको नीचे, और जो होल क्वांटिटी है क्वेश्चन वो आपका कंप्लीट है. नाउ 17/7 आप सीधा सीधा 7 की टेबल रीड आउट कर सकते हैं. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21. अब 21 तो ज्यादा गया, 2 पे गया तो 2 तो होल क्वांटिटी. अब 14 7 2 is 14, 17 में से 14 माइनस कीजिए 3. ओके स्टूडेंट्स, सो 2 होल 3/7. नाउ 28 को 5 से डिवाइड कीजिए. 5 5 is 25, पूरा कंप्लीट गया 25 तक लेकिन एक्स्ट्रा बच गया रिमाइंडर 3. सो 3/5 आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कर सकते हैं वो ऐसे सीधा सीधा टेबल को पढ़ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम ऊपर रख लेंगे न्यूमरेटर में. नाउ 6 3 is 18 एंड एक्स्ट्रा कितना बचा 1. सो 1 आपका ऊपर रहेगा और जो नीचे आपका जितने सब में देखो, नीचे डिनोमिनेटर 3 है अब भी 3 है, 5 था अब भी 5 है, 7 है अब भी 7 है, 5 है 5, 6 है 6. तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो यही होगा आपका एज इट इज. ओके नाउ दिस इज बनाइए प्रॉपर फ्रैक्शन. 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is पे आपका एक्स्ट्रा गया. सो 9 3 is कंप्लीट 3 एंड 8 है आपका एक्स्ट्रा है. सो 3 होल 8/9. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम इम प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इम प्रॉपर से क्या बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ लाइक टू दिस. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.